जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है भजन संहिता 139 का 23वां और 34वां वचन। वचन कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर मेरे हृदय को जान ले, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यह भजनकार क्या कहता है, यह भजनकार की क्या चिंता है? दोस्तों, जिस पल आप परमेश्वर को जान लेते हैं, जिस पल परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहने लगते हैं, जिस पल परमेश्वर आपके अंदर रहने लगता है, उस पल आपको कुछ नहीं चाहिए होता है। उस पल आपकी सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि कहीं मैं परमेश्वर से दूर ना हो जाऊं, कहीं कोई वजह, कहीं कोई पाप, कहीं कोई कारण, कहीं कोई मेरी गलती मुझे परमेश्वर से दूर ना हो जाए। यहां पर भजनकार की यही चिंता है कि मुझे परमेश्वर जांच, मेरे मन को जांच, मेरे हृदय को जांच, मेरे कर्मों को जांच, और प्लीज मुझे बता, प्लीज मुझे अनुग्रह से बचा के रख, अनुग्रह के तले रख, ताकि कहीं मैं परमेश्वर से दूर ना हो जाऊं। मैंने परमेश्वर को पाया है, मैंने पवित्रता को पाया है, मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को जाना है, मैंने उसके सामर्थ को समझा है, मेरी बुद्धि खुली है। धन्यवाद, मैं इस तरीके से नया हो गया हूं कि मैं फिर से पुरानी जिंदगी में लौटना नहीं चाहता हूं। जब मैं पुरानी जिंदगी को देखता हूं, महसूस करता हूं, याद करता हूं, तो एक डर, एक चिंता मेरे मन में आती है, और इस संसार में रहते हुए बस एक ही मेरी चिंता कि परमेश्वर तू जल्दी आ ताकि मैं तेरे साथ जाऊं। मेरी चिंता यह है कि परमेश्वर में तेरा बना रहूं और तू मुझ में बना रहे। इसलिए फिलिपियों की पत्री 1:9 में पौलुस की भी यही चिंता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो क्या कहता है कि मेरी यही प्रार्थना है कि तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता जाए। अगर हमारे प्रेम में ज्ञान नहीं होगा, अगर हमारे प्रेम में समझ नहीं होगी, तो हम परमेश्वर को खो सकते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, वचन कहता है कि हमारे प्रेम में ज्ञान हो, हमारे प्रेम में समझ हो, इसलिए ये बाइबल हमारे अंदर हो, बाइबल के वचन हम पूरी तरीके से ग्रहण करें और बाइबल में बने रहें, वचनों में बने रहें, ताकि उसकी शक्ति, उसका सामर्थ, उसका प्यार हमसे कभी दूर ना हो। लूका 6:12 में बाइबल में लिखा हुआ है कि वो इन्हीं दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और उसने सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करने में व्यतीत कर दी। यीशु मसीह क्या करता था? यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता था। यीशु मसीह परमेश्वर से दूर होना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा कि मैं जो कुछ देखता हूं वही कहता हूं, जो कुछ सुनता हूं उसे कहता हूं। हालेलुया, इतना प्यार, इतना संबंध, इतनी गहराई की रिश्ता ये परमेश्वर के साथ बनना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पतरस जो कि रिश्ता भूल गया था, पतरस जो कि परमेश्वर से प्यार करता था, पतरस जो परमेश्वर में था, आप सोचिए जैसे यीशु मसीह ने बताया कि तू कैसी मौत मरेगा, उस मौत को जानने के बाद भी उसका संबंध और गहरा हो गया और समझ गहरी हो गई और वो परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया उसने अपने आप को। चाहे कोई सताव आए, चाहे कोई भी दुख आए, चाहे कोई पीड़ा आए, वो उन पीड़ाओं में आनंद लेता था, उस सताव में आनंद लेता था, क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर था, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को जान लिया था। पौलुस ने परमेश्वर की उपस्थिति को जान लिया था, पौलुस ने जान लिया था कि परमेश्वर के अंदर रहना, परमेश्वर के अंदर रहना, परमेश्वर में रहना कितना बड़ा सौभाग्य है। धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर में रहता है और बना रहता है। आइए दोस्तों, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम भी इसी तरीके से अलर्ट रहें, सचेत रहें, सावधान रहें कि कहीं हम कोई भी ऐसी गलती ना करें कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। पिता परमेश्वर तू महान है, महिमा और आदर के योग्य है। अपने भाई बहनों के लिए आशीष मांगता हूं जो देख रहे हैं, सुख मांगता हूं परमेश्वर, और वो बोझ जो हमारे अंदर है बने, और तेरी उपस्थिति, तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष हमें हमेशा हमारे अंदर जीवित रहे, ताकि शक्ति और सामर्थ्य के संग हम परमेश्वर में बने और काम करें। यीशु मसीह के नाम में।